नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम अग्रवाल और आप देख रहे हैं द एंटी कैंसर प्रोजेक्ट। जैसा हमने पिछले वीडियो में भी जाना कि हर बीमारी, चाहे उसका जो भी नाम दे दो, उसके होने की सिर्फ एक ही वजह है, वो है सेल्यूलर मैलफंक्शन। अब ये तो ठीक है कि किसी भी बीमारी के पीछे सेल्यूलर मैलफंक्शन है, लेकिन ये होती क्यों है? आसान शब्दों में सेल्स मैलफंक्शन करते क्यों है? जैसा अभी हमने जाना कि दुनिया में सेल्यूलर मैलफंक्शन एक बीमारी है, उसी तरह सेल्स के मैलफंक्शन करने की भी दो ही वजहें हैं, डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी। मतलब जब हमारे सेल्स को वो चीज़ बहुत कम मिलती है जिसकी उन्हें ज़रूरत है, या वो चीज़ बहुत ज़्यादा मिल जाती है जिसकी उन्हें ज़रूरत नहीं है, उन कंडीशंस में वो सेल्स मैलफंक्शन करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि हमें होने वाली हज़ारों अलग अलग बीमारियाँ कुछ नहीं पर डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी के ही कॉम्बिनेशन का इफेक्ट है, जो हमारे इनहेरिटेड जीन्स, खराब लाइफस्टाइल, एनवायरनमेंट और हमारे बिलीव्स, थॉट्स और इमोशंस के कॉम्बिनेशन से हमारी बॉडी में जनरेट होते हैं। बदकिस्मती से आज के टाइम में हम डेफिशिएंट और टॉक्सिक दोनों हैं। अब अगर हम शरीर में डेफिशिएंसी होने के रीजंस की बात करें तो उसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी वाली खराब डाइट, एब्जॉर्प्शन बिगाड़ने वाली डिजीज या मेडिकेशन, या ये दोनों ही शामिल हो सकते हैं। इनफैक्ट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इस बात पर डिपेंड करती है कि आपकी बॉडी में किस न्यूट्रिएंट की कमी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान में विटामिन ए की कमी है तो उसे ड्राई आइज या नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, डिपेंडिंग कि वो न्यूट्रिएंट कितना सेवियरली डिप्लीटेड है। इसी तरह विटामिन सी की बहुत ज़्यादा कमी की वजह से स्कर्वी, जिसे हम ब्लीडिंग गम्स भी कहते हैं, वो हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ प्रोस्टेट ग्लैंड में जिंक टिश्यू की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए जिंक की कमी की वजह से प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। थायराइड ग्लैंड में आयोडीन टिश्यू बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से थायराइड की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ऐसे ही सर्विक्स में विटामिन सी और फोलेट टिश्यू की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए कम विटामिन सी लेने वाली फीमेल्स में सर्विकल कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। इसीलिए सबसे पहले हमें डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम को सुलझाने की ज़रूरत है। अगर आपके अंदर क्रॉनिक जिंक डेफिशिएंसी है तो अगर आप ट्रक भर के भी विटामिन सी ले लेते हैं तब भी वो आपके लिए उतना वैल्यूबल नहीं होगा जितना कि उस चीज़ की कमी को पूरा करने से होगा जिससे जिंक डेफिशिएंसी खत्म हो सकती है। इसीलिए न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और साथ साथ ये भी ध्यान रखना ज़रूरी कि शरीर में किसी भी एक न्यूट्रिएंट की लंबे समय तक कमी ना हो, क्योंकि अगर ये बढ़ने लगती है तो उस डेफिशिएंसी की वजह से आपके नए सेल्स ठीक से कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाएंगे या सेल्स में केमिकल इम्बैलेंसेस होने लगेंगे। सेल्स मेडिसिन या दवाइयों से नहीं बल्कि न्यूट्रिएंट से बनती है। सारे न्यूट्रिएंट्स एक साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं, जिसकी वजह से आपके सेल्स को वो रॉ मटेरियल्स मिलते हैं जिससे आप नरिश होते हैं। आज के टाइम में हम में से ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम यही है कि हमारे जो नए सेल्स हैं वो पुराने वाले सेल से ज़्यादा अच्छे नहीं बनते। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार लगभग 1 बिलियन लोगों को भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता, जिस वजह से वो भूखे ही मर जाते हैं। ट्रैजिक, राइट? लेकिन शायद उससे भी ज़्यादा ट्रैजिक ये है कि 1 बिलियन लोगों का एक दूसरा ग्रुप भी है जिनके पास खाने का तो एक्सेस है लेकिन फिर भी वो गलत खाना खाना प्रेफर करते हैं। हम में से ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम भी यही है, और इसीलिए हमारे जो नए सेल्स हैं वो भी पुराने वाले सेल्स की तरह कम एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले सेल्स बनते हैं, जो बिल्कुल हेल्दी नहीं होते। इसीलिए ये समझने की कोशिश करें कि हर दिन आप जो भी खाते हैं वो आपको बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। अब डेफिशिएंसी के बारे में तो हमें अच्छे से समझ आ गया, लेकिन डेफिशिएंसी की तरह सेल्स के मैलफंक्शन करने का दूसरा सबसे मेजर रीज़न है सेल्यूलर टॉक्सिसिटी। हिस्ट्री में आपने पहले कभी ऐसा टाइम नहीं देखा होगा जब हमने इतने सारे टॉक्सिन्स का सामना एक साथ किया था, लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो आज की मॉडर्न वर्ल्ड की केमिस्ट्री फिलॉसफी है उसमें तरह तरह के बग किलर्स, वीट किलर्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स फार्मिंग के टाइम पे प्लांट्स और वेजिटेबल्स पे स्प्रे किए जाते हैं, जो इनडायरेक्टली हम ही कंज्यूम करते हैं। सिर्फ यही नहीं, हवा में पोल्यूशन भर गया है जिसमें हम दिन रात सांस लेते हैं, और तो और हमारे वाटर सप्लाईज में भी आज हर तरह के केमिकल्स डाले जाते हैं। फार्म एनिमल्स को ग्रोथ हार्मोन्स और एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं ताकि वो अपनी हार्श कंडीशन में जिंदा रह सकें, जो बाद में हमारी ही मील बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मार्केट में आज पैकेज फूड्स में टेस्ट एनहांसिंग केमिकल्स भरे होते हैं, जिसकी वजह से हम अपने दिमाग में आई एम फुल का बटन बंद कर देते हैं और उन्हें और ज़्यादा खरीदते हैं। उन्हीं प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं, जो इन दी एंड हम ही कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा हर एक बीमारी, दर्द या इवन मूंछ के लिए हमने दवा लेनी शुरू कर दी है। सोप्स, शैम्पूस, डिओड्रेंट्स और ऑलमोस्ट सभी पर्सनल हाइजीन और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में डिक्रीजर्स, एल्कोहल्स, पैराबेंस, फ्रैग्रेंसेस, स्टेबलाइजर्स, सॉल्वेंट और कई सारे ऐसे दूसरे केमिकल्स मौजूद होते हैं जो हमारी ही बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। हमारी बॉडी को कभी भी इतने सारे केमिकल्स को प्रोसेस करने के लिए नहीं बनाया गया था। हालांकि हमारी बॉडी में हार्मफुल केमिकल्स को डिटॉक्सीफाई करने की एबिलिटी मौजूद होती है, लेकिन जब इतने सारे केमिकल्स हमारे अंदर इकट्ठा हो जाते हैं
तब हमारी बॉडी जवाब देना शुरू कर देती है एंड वी गेट सिक। इसीलिए हमारी हेल्थ को इन इंडिविजुअल केमिकल से खतरा नहीं होता, लेकिन जब हम इन चीज़ों को रेगुलरली खाते हैं तब हमारी बॉडी उन केमिकल्स को एक्यूमुलेट कर लेती है जो हमारे फैट टिश्यूज में ही जाकर स्टोर हो जाते हैं, जिस वजह से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। एक लेडी के ब्रेस्ट टिश्यू में लगभग 1/3 फैट होता है, जो आज बढ़ते हुए ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम को भी एक्सप्लेन करता है। यही वजह है कि आजकल यंग एज में डिजीजेस तेजी से बढ़ रही हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों से फ़र्क हमें तब सबसे ज़्यादा पड़ता है जब हम बूढ़े होने लगते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी किडनीज और लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन कैपेसिटी कम हो जाती है, और इसीलिए बूढ़े लोग जिनके शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में टॉक्सिक केमिकल्स मौजूद होते हैं उनके लिए ज़िंदगी और मुश्किल होना शुरू हो जाती है। इनफैक्ट रिटायरमेंट की एज तक आते आते हमारी बॉडी में जमा टॉक्सिन्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो आसानी से कैंसर की वजह बन जाते हैं। इसीलिए डेफिशिएंसी की तरह टॉक्सिसिटी को अपनी लाइफ में कम करना बहुत ज़रूरी है, जो कि खुद में एक बहुत बड़ा रीज़न है किसी भी बीमारी होने के पीछे। इसके अलावा हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी होने के कई दूसरे रीजंस भी इन्वॉल्व हैं, जिसमें हमारे थॉट्स, इमोशंस और बिलीव्स भी शामिल हैं। जब आप स्ट्रेस लेते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप का स्ट्रेस हो या आपके काम का, बॉडी उस समय जो स्ट्रेस केमिकल्स बनाती है उससे लड़ने के लिए आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड क्रिटिकल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसे यूज़ करती है, जिससे डेफिशिएंसी होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ इन स्ट्रेस केमिकल्स की वजह से बॉडी पर एक टॉक्सिक इफेक्ट भी पड़ने लगता है, जो शरीर में स्टोर हो जाता है और डैमेज करता है। इसीलिए सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि आपको अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ भी एक बहुत बड़ी वजह बन सकती है शरीर में डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी होने के पीछे। इसीलिए आपको अपने सेल्स को हेल्दी रखने के लिए ये ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बॉडी में डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी की प्रॉब्लम लंबे समय तक ना हो। हमारी बॉडी हर सेकेंड लगभग 4 मिलियन नए सेल्स बनाती है और हर दिन लगभग 1 ट्रिलियन नए सेल्स, और हमारी बॉडी के ज़्यादातर सेल्स 1 साल में ही रिप्लेस हो जाते हैं। तो इससे आपको ये नहीं लगता कि अगर आप ऐसी चीज़ें खाएं जिससे आपका हर नया सेल पुराने वाले सेल से ज़्यादा हेल्दी बनता है तो उसकी वजह से आपके अंदर भी एक ऐसी एनर्जी आ जाएगी जहाँ पर किसी भी बीमारी के लिए जगह नहीं रहेगी। इसीलिए ये कुछ सवाल है जो आपको खुद से पूछने चाहिए। क्या आप अपने नए सेल्स को बनाने के लिए हर दिन अपनी बॉडी को सही न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और क्या आप अपने सेल्स को टॉक्सिन फ्री रखने के लिए अपनी तरफ से सभी खराब चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं? ये जानना ज़रूरी है कि आपकी अच्छी हेल्थ आप ही के हाथ में है, और उसी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अच्छी डाइट और हाई क्वालिटी सप्लीमेंट लेना शुरू कर दें, ताकि आप अपने सेल्स को वो सारे रिपेयर मटेरियल्स दे सकें जो उन्हें चाहिए अपना काम करने के लिए। उसी के साथ साथ सेल्स को टॉक्सिन फ्री एनवायरनमेंट में रखना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स अपना काम सही से कर पाए। जब आप अपने अंदर के डॉक्टर को काम करने का मौका देंगे तब आप अपने आप को पहले से ज़्यादा हेल्थियर, मेंटली शार्पर और स्ट्रॉन्गर महसूस करेंगे। इसीलिए अपने शरीर पे भरोसा रखें, क्योंकि ये भी ठीक होना चाहता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और आप कैंसर के बारे में ऐसे ही और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिससे इन वीडियोज़ के जरिए कुछ हेल्प मिल सकती है तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। बेस्ट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।